तारक मेहता शो के साथ ऐसे बकवास रिप्लेसमेंट जिसकी वजह से सारा मूड खराब हो जाता है, तारक मेहता देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और भाई इनकी ओवर एक्टिंग देखकर आपका दिमाग भी चौंक जाएगा कि भाई इससे अच्छा तो भाई ये लोग नहीं ही आते, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। देखो सबसे पहले रिप्लेसमेंट की बात करें जो कि तारक मेहता शो की जान हुआ करता था, भाई टप्पू सेना का मेन लीडर टप्पू, तीन बार चेंज हो चुका है भाई। पहले वाला भव्य गांधी बेस्ट था, एकदम मस्त, बड़े मजा आए थे, इसी के साथ हमने तारक मेहता की शुरुआत की थी। लेकिन भाई कुछ कारण हुए, जो भी हुआ हमको नहीं पता। उसके बाद आया राज अनकट, भाई उसने भी अच्छी खासी तरीके से ऑलमोस्ट संभाल लिया था क्योंकि भाई उनकी फेस बहुत ज्यादा सिमिलर थी और भाई वो भी हमारे साथ फेमिलियर हो गया, हमको देखने में मजा आया, ठीक है। लेकिन भाई तीसरे वाला जो रिप्लेसमेंट हुआ ना, मतलब दिमाग घूम गया मेरा, ठीक है भाई। एक्टिंग भी कोई चीज होती है, बंदे को एक्टिंग ही नहीं आती, ठीक है। पहले वाला टप्पू मतलब क्या स्टाइल था उसका, क्या जलवा था उसका, पूरे गूगल धाम को लीड करता था। अभी का जो टप्पू है भाई, टप्पू सेना की जान तो छोड़ दो भाई, कुछ भी करता नहीं है भाई। डायलॉग बोलने के बाद बस कहने को टप्पू सेना बना के रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। इस वाला टप्पू बहुत ज्यादा बेकार है, ठीक है। आगे बात करें टप्पू सेना की, वही मेंबर सोनू, पहली वाली जिल मेहता भाई ओके ओके थी, मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं था, ठीक है भाई। वो बहुत ज्यादा बड़ी भी लगती थी और ठीक है भाई। लेकिन सेकंड नंबर पे जो निधि भानुशाली आई भाई, उसने जो मचाया ना भाई, हमको लगा कि भाई अगर सोनू है वो तो फिर ऐसी होनी चाहिए, एकदम बेस्ट। एक्टिंग भी बेस्ट थी, ओवरऑल पूरे टप्पू सेना पे, ओवरऑल पूरे तारक मेहता शो पे अच्छा इम्पैक्ट डाला था, हमको देखने में मजा आया था और भाई वो एकदम बेस्ट लगती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सोनू आई भाई, ठीक है भाई, काम चला रही है, तारक मेहता शो में का काम चल रहा है, ठीक है। बाकी उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है भाई, उतना इम्पैक्ट नहीं डालती भाई, उतना ज्यादा मजा नहीं आता। तीसरा सबसे इस लिस्ट का सबसे खराब रिप्लेसमेंट, एकदम दिमाग पकड़ लिया था मैंने, ठीक है भाई, रोशन भाभी। पहली वाली थी जिनका नाम जेनिफर था भाई, बेस्ट एकदम। हमको भाई पता था कि भाई अगर रोशन भाभी हो तो फिर ओवरऑल एक्टिंग के हिसाब से बात करें या फिर ओवरऑल बात करें, रोशन भाभी एकदम बेस्ट वाली थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिप्लेसमेंट आया, वो भी मतलब ठीक है, अच्छी थी, मतलब ओवरऑल काम चल रहे थे। लेकिन ये जो तीसरी वाली आई ना भाई, अभी आई है, पूरा का पूरा ओवर एक्टिंग की दुकान है भाई, ठीक है। मेरा दिमाग पकड़ लिया भाई, ये क्या कॉमेडी के लिए डाला इसको है, मतलब कॉमेडी नहीं, पूरे का पूरा मजाक बना के रख दिया है भाई। अब एक बार एपिसोड देखो, आपको हंसी आएगी कि क्या करना है समझ में भी नहीं आएगा। और उसी के साथ बात करें भाई सोडी, सोडी का भी तीसरा रिप्लेसमेंट हो चुका है। सबसे पहले वाला एकदम ओजी बेस्ट भाई, एकदम परफेक्ट। सोडी की बात करें ना, एकदम परफेक्ट था, हमारे दिल में बसा हुआ है। लेकिन भाई पता नहीं किस कारण से उन्होंने छोड़ा था, बीच में एक और सोडी भी आया था पतला पतला सा, वो भी थोड़ा टाइम आया भाई, अपना काम नहीं कर पाया, छोड़ो भर वापस से ओरिजिनल आ गया था। और ये तीसरे वाला भाई, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि क्या है ये, एक क्वालिटी नहीं है सोड़ी की, ठीक है। बस बोलने के लिए गुस्सा हो जाता है, मैं तेनों छडांगा नहीं ये वगैरह वगैरह, लेकिन भाई जो एग्रेसिव होना चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए भाई, एकदम ये पप्पू सर, ये पप्पू से सोड़ी बना के रख दिया, ठीक है भाई। ओरिजिनल सोड़ी से भाई बिल्कुल भी मैच नहीं करता भाई, बिल्कुल मजा नहीं आता इसको साथ देखने में। पांचवे बकवास रिप्लेसमेंट की बात करें भाई, तारक दूसरा ही रिप्लेसमेंट है। सबसे पहले वाला शैलेश लोढ़ा, एकदम चुम्मेश्वरी भाई, जो काम था, जो बोलने की अदा थी, जो एक्टिंग थी, जो मतलब ओवरऑल बात करें ना, एक कवि थे, ओरिजिनल भी कवि है वो, और ओवरऑल बात करें तो भाई एकदम बढ़िया से लेखक वाली पर्सनैलिटी छोड़ते हैं एक्टिंग में भी, ओवरऑल अपनी कवि वाली पर्सनैलिटी, लेखक वाली पर्सनैलिटी निकल के आती थी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो रिप्लेसमेंट हुआ भाई, बिल्कुल भी नहीं जमा, ठीक है, अभी भी बिल्कुल भी, मतलब एकदम क्या लगता है भाई, तारक के नाम में मजाक ही चल रहा है भाई। एक्टिंग की बात करें भाई, बंदा एक्टर अच्छा है, अच्छी एक्टिंग कर लेता है, मैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन भाई जेठालाल की जो एज के साथ जो तारक मेहता ओरिजिनल था शैलेश लोढ़ा, उनकी एज एकदम अच्छी खासी मैच करती थी, उनकी जो केमिस्ट्री मैच करती थी, वहीं पे इसकी बात करें भाई, ये बहुत जवान है और भाई अभी नहीं मैच हो रहा, ठीक है। अभी सिर्फ कहने को भाई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, फायर ब्रिगेड है, लेकिन भाई ओजी था भाई ये, मतलब ठीक है भाई, काम चला लो भाई, चल ही नहीं रहा लेकिन चला लो। उसके बाद एक और बकवास रिप्लेसमेंट, हाँ भाई वो मतलब मजबूरी के लिए करना पड़े रिप्लेसमेंट, लेकिन भाई जो भी है ये वाला बकवास है तो है। मैं बात कर रहा हूँ नटुका का की, पहले वाले भाई इतने कॉमेडी, इतने भाई मतलब जो एक एक अदा ही बात करें उनकी, आह मस्त एकदम, ठीक है, बहुत ही मस्त काम करते थे, बहुत बढ़िया थे। एस्ट इन पीस नहीं है इस दुनिया में, तो फिर मजबूरी में रिप्लेसमेंट करना पड़ा। लेकिन अभी जो नए वाले नटुका का आया भाई, मतलब छोड़ दो भाई, ठीक है भाई, कॉपी भी नहीं कर पा रहे ठीक से, कुछ नहीं कर पा रहे भाई, एक्टिंग आती है कि नहीं आती नहीं मालूम, बस डायलॉग बोलने को बोल रहे हैं, बाकी मजा नहीं आता भाई, ठीक है। कॉमेडी तो बिल्कुल हो ही नहीं रही भाई, जब भी कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं क्रिंज फील होता है पूरा का पूरा, बस जेठालाल संभाल लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और वहीं पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाली एक बहुत ही मतलब दिमाग खाऊ कस्टमर की बात करें, बावरी, पहली वाली थी बढ़िया थी, मस्त थी, कहने का मतलब
एक अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते थी, हमको ओरिजिनल ओरिजिनलिटी फील आती थी, बाकी के साथ जो ओरिजिनल सालों से केमिस्ट्री है भाई अच्छी खासी फील आती थी, ठीक है। लेकिन नई वाले जो आई भाई क्या एक्टिंग कर रही है। अरे भाई आप एक बार क्रिसमस वाले एपिसोड देखो भाई, अरे भाई हर दूसरी बात पे हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई, सबके नाम गलत बोले हैं भाई, हर बार बोलिए गलती से मिस्टेक हो गई भाई, गलती से मिस्टेक होगी, कितनी मिस्टेक करती है यार। अरे यार भले इसने स्क्रिप्ट ऐसे लिखी हो लेकिन नहीं मजा आया भाई, बहुत ज़्यादा क्रिंज लगा था और भाई बहुत ज़्यादा क्रिंज है ये। और भाई यही साथ मतलब ऐसे बेकार रिप्लेसमेंट है कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, नहीं मन करता तारक मेहता देखने का, ठीक है। जो भी ओजी लोग से है संभल रहे हैं, बाकी नए वालों से कुछ नहीं हो रहा। अब आप लोग मेरे बात से सहमत हो कि नहीं हो अब मुझे कमेंट बता सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये जानना है कि नई दया अभी कौन सी आने वाली है या फिर तारक मेहता शो के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अभी कौन से खतरे है क्या है ये सब मैंने मेरे ये वाले वीडियो में बताया है, फिर अगर आपको देखना है तो फिर आपको देख सकते हो, आपको वीडियो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो वो देख लो। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आया थोड़ा सा अभी तो कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।